सागर जिले के केसली तहसील के क्योलारी ग्राम में पिछले दिनों जैन समाज के माध्यम से श्री लोक महामंडल विधान का जो है आयोजन किया गया। और इस आयोजन के दौरान जो है न केवल जैन समाज ने बल्कि संपूर्ण समाज के लोगों ने सहयोग दिया और भव्य कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। पूरा गांव एकजुट होकर के नगर में पधारे मुनि श्री विलोक सागर जी और बोध सागर जी महाराज जी के दर्शन किए और श्रद्धा भाव से सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये गांव की जैन समाज की बालिकाएं जो कि अष्टकुमारी गांव का ये नृत्य करती हुई और सभी मन उत्साह और आनंद जो है प्रस्फुटित होता रहा। अत्याधुनिक ढंग से ये रथ तैयार है। इसमें सौधर्मेंद्र और पूरा जो महामंडल का जो विधान था वो शोभा यात्रा के रूप में पूरे गांव में निकाला गया। अंतिम दिन 11 तारीख को ये अंतिम शोभा यात्रा थी और इस तरह से पूरे नगर में भ्रमण करते हुए साथ में जो ग्राम में पधारे थे मुनिश्री उन्होंने भी नगर का भ्रमण किया और सभी श्रद्धालुओं से मिलने के पश्चात जो है उन्होंने केवलारी की सराहना की। और आप सबको मैं अवगत करा दूं कि ये जो केवलारी नगर है केवलारी नगर एक पुण्य स्थल है। वक्त क्या आ गया है गुरु को देने का, समाप्त कैसे होता है ताली बजाने से पाओ, लेकिन गुरु की नजरों में हमेशा ऐसा हो कि वो क्षण आ चुका है कि गुरु दक्षिणा का और गुरु दक्षिणा में तुम्हारा धन पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा मकान नहीं चाहिए, हमें तुझसे इतना चाहिए कि ये क्षण जो मेहनत की है ये मेहनत कहीं व्यर्थ न चली जाए, ये हमारे जीवन में ये दिन जो हम वरदान के रूप में बने रहे और ये साथी से पुण्य देते रहे, इसलिए एक ही गुरु दक्षिणा में देना, एक संयम रहना कि हम और दुर्गुण हमें दे देना और अच्छे गुण हमें मिल लेना है कि आज से जो पूजा नहीं करते थे अभिषेक नहीं करते थे वो लोग क्या करेंगे। जहाँ आपने इनके प्रवचन सुने वहीं इस गांव में 3 बार विद्यासागर मुनिवर भी पधार चुके हैं। तो वास्तविकता ये है कि यह जो गांव है यह जैन धर्म के हिसाब से भी एक तीर्थ है, क्योंकि यहाँ का जो पवित्र समाज है उसमें से जैन समाज की एक जो बालिका है वो त्याग करके और बहुत उच्च पद पर जो है पूरे संसार में अपनी ख्याति पा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूज्य विशुद्धमती माता जी की। वो इस नगर की बेटी हैं और इस नगर में ऐसे कई श्रेष्ठ संतों ने जन्म लिया है। तो जैन समाज की बात करें या हम अन्य हिंदू समाज की बात करें तो उनमें से भी जो है कुछ एक जो है संत अपना जीवन धर्म में और धर्मचर्या में झोंक दिया है और ये पूरे नगर भ्रमण के दौरान हर्षोल्लास से सभी बालक बालिकाएं अपना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं।
और ये एक बहुत ही अनुष्ठान हो गया। और अंतिम दिन ये पंच परमेष्टि भगवान महावीर स्वामी की भव्य शोभा यात्रा हुई और सकल समाज ने जो है पूजा अर्चना वंदना की। तो ये सौभाग्य की बात है। और केवलहरी नगर का तो मैं बता चुका हूँ कि पहले से ही परम सौभाग्य रहा है। तो यहाँ पर जो है मुनिश्री के भी दर्शन हुए हैं और आनंदमय जो है पंचदिवसीय महामंडल विधान का समापन हुआ और सभी लोग जो है हर्षोल्लास से इसको भंडारे के साथ पूर्ण किया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।